नमस्कार, आज हम कच्चे पपीते का हलवा बनाएंगे। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत त्यौहार करते हैं, तो आप कच्चे पपीते का हलवा बना के खा सकते हैं। कच्चे पपीते का हलवा आप अच्छी तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और स्वादिष्ट के साथ साथ ये पौष्टिक भी होता है। अगर आप आटे और सूजी का हलवा खा खा के आप परेशान हो गए हैं, तो आज आप एक बार ज़रूर कच्चे पपीते का हलवा बनाएं। तो हम एक कच्चा पपीता ले लिए हैं, इसे हम छील लेंगे। हलवा बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार हम घी ले लिए हैं। जितना घी लगेगा 2 से 3 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे। थोड़ी सी काजू और किशमिश ले लिए हैं, और 4 हरी इलायची ले लिए हैं, इसे भी हम हलवा में डालेंगे। 250 ग्राम धागे वाली मिश्री है, इसी को हम हलवा में डालेंगे। इसकी जगह पे आप चीनी या गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। और ये जो धागे वाली मिश्री होती है, इसे आप इस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिए धागा इसमें निकला हुआ है, तो बहुत ही आसानी से टूट जाता है। हलवा के लिए 1 कप दूध ले लिए हैं, 1/2 कटोरी मलाई ले लिए हैं। अगर आपके पास खोवा मावा हो तो आप उसे डालें, घर का मलाई डाल सकते हैं। हम पहले पपीते को छील के और काट के कद्दूकस कर लेते हैं। पपीता को आप छील के और इस प्रकार लंबे लंबे आकार में काट लेंगे तो आपको कद्दूकस करने में सुविधा होगी। तो हम चलते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से कच्चे पपीते को कद्दूकस करके ले लिए हैं। अब चलते हैं बनाने के लिए। हलवा को हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो हम गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं। इसमें घी डाल देते हैं, 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें मलाई भी डालना है, तो मलाई में घी होता है, तो हम 1 चम्मच घी डाल दिए हैं। गैस का आंच कम रखेंगे, घी को पिघलने देते हैं। घी पिघल गया है, इसमें कच्चा पपीता कद्दूकस किया हुआ है, इसे डाल देते हैं। गैस का आंच हम मीडियम रखेंगे। कद्दूकस किया हुआ पपीता है, इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। क्योंकि पपीता में पानी है तो हम धीमी आँच में भूनेंगे तो बहुत देर लगेगा, तो पहले तो हम तेज़ आँच रखेंगे, उसके बाद हम लो मीडियम करते रहेंगे। इसको हम तेज़ आंच पे भून लेते हैं पहले 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में इसका पूरा पानी सूख जाएगा। 5 मिनट में पूरा पानी सूख गया है, आप देख सकते हैं। इसे पानी सूखा के भूनना है। जब इसका पूरा पानी सूख जाए तब तक इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसे थोड़ा सा हम और भूनेंगे। पपीते का पूरा पानी सूख गया है, इसका आप कलर भी देख सकते हैं, हल्का सा गुलाबी होने लगा है। इसे हम अच्छी तरह से भून लिए हैं कि अगर कोई खाए तो उसे पता ना चले कि पपीते का हलवा है। अब हम इसमें मिश्री डाल देंगे। मिश्री डालने से भी इसमें जो पानी होगा पूरा पानी निकल जाएगा। तोड़ के मिश्री ले लिए हैं, वो मिश्री डाल देते हैं, और मिश्री के साथ भी इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। मिश्री हम डाल दिए हैं, अब इसमें हम मलाई डाल देंगे। मलाई से भी जितना घी निकलना होगा पूरा घी निकल जाएगा सूख के। मलाई को भी हम मिला लेते हैं इसमें हलवा में। पपीते से पानी भी, मिश्री डाले तो पानी भी निकल रहा है, और मलाई डाले हैं तो इससे घी भी निकल रहा है। आप देख सकते हैं किनारे किनारे मलाई में जो घी था पूरा घी निकल रहा है। इसे अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना देर में इसका पानी सूख जाए उतना देर तक हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। अब ये पूरा लिक्विड की तरह हो गया है, अभी दूध डालना बचा हुआ है। जब इसे भून लेंगे उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। देखिए कितना इसमें पानी पानी जैसा हो गया है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, लालाबी करके इसे हम भून लेंगे। अब पपीते का पूरा पानी सूख गया है, थोड़ा सा दूध डाल देंगे। ऐसे ही तो पूरा पका हुआ है, आपको हम दिखाते हैं छू के, ये पूरा पका हुआ है। देखिए थोड़ा सा दूध डाल के और इसे हम सुखा लें, दूध को हम सुखा देंगे। हमें हम दूध डाल देते हैं, और दूध डाल के इसे हम तेज़ आंच पे ही पका लेंगे, क्योंकि हमको दूध को सुखाना है, इसको सिझाना नहीं है पपीते को। पपीता तो पका हुआ है, तो दूध को हम सुखा लेते हैं। अब इसमें हरी इलायची डाल देंगे, जिसे हम कूट के ले लिए हैं, इसे हम डाल देते हैं। और गैस का आँच हम कम रखेंगे, अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि अब जलने का डर है। ये काजू और किशमिश को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिए हैं, इसे हम इसमें डाल देते हैं। डाल के इसे हम मिला लेंगे। ये कितना अच्छा कच्चे पपीते का हलवा बन के तैयार है। इस प्रकार से आप बना के अब पूजा पाठ वाले दिन में भी खा सकते हैं। इसे पूजा पाठ में तो फलाहार किया जाता है, पर अगर आपके पास कभी फल नहीं है तो आप इस प्रकार से हलवा बना के खा सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा, आपके पास घर में जो है उसी से आप बना सकते हैं। देखिए हलवा बन के तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए, आपको हम निकाल के हलवा दिखाते हैं, कितना अच्छा हलवा बना है। कोई नहीं समझ पाएगा ये पपीते का हलवा है। इस तरह से आप भी कच्चे पपीते का हलवा बनाएं।
अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।